हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जो कि स्कूल और कॉलेजों के खोलने को लेकर निकल के सामने आ रही है, जहां पर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया और सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिए, जिसके अनुसार जुलाई माह में सभी स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नए नियमों के साथ और बड़े बदलाव के साथ स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा, और स्कूल और कॉलेज ओपन होने के बाद में किस प्रकार से स्कूल और कॉलेजों के अंदर पढ़ाई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम की और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं स्कूल और कॉलेज के खोलने को लेकर आ रही बड़ी खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी, और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से पूरे के पूरे राज्य में स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा। दोस्तों, स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अब बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है सरकार की तरफ से, जहां पर जुलाई महीने की इस तारीख से यानी डेढ़ से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज, कर लीजिए अपनी पूरी तैयारी। तो दोस्तों, बड़ी खबर सरकार की तरफ से निकल के सामने आ चुकी है, जहां पर महामारी के चलते बंद चल रहे स्कूल कॉलेजों को जुलाई के दूसरे पखवाड़े यानी 15 तारीख के बाद खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और जल्द ही तारीखों का ऐलान सरकार करने जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और स्कूल कॉलेजों को अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चरणबद्ध तरीके से खोलने पर विचार करने जा रही है और सहमति जताने जा रही है, और इस एक्शन प्लान पर पूरी तरह से जो है आखिरी हफ्ते में फैसला लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी बता दी, जहां पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि हम लोग विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जुलाई में करने जा, लेकिन अभी कुछ देर नहीं हो पाया और जून के आखिरी हफ्ते में इस पर अंतिम फैसला आ जाएगा, लेकिन उसी के बाद इस दिशा में आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और कुल मिलाकर छात्र छात्राएं कोरोना से बचाव को अपनाकर जाने की तैयारी शुरू कर दे, और इस काम में बच्चों के अभिभावकों को काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। और जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलने के लिए प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार पहले अपनी नीति तैयार करेगी, और मुंबई में स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले के बाद प्रदेश सरकार भी अपनी नीति बनाने में जुट चुकी है, और मुंबई में फिलहाल कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी, वहीं कम प्रभावित क्षेत्रों में कुछ नियमों के साथ 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। और आपको बता दें तो पूरे देश में 13 मार्च से सभी स्कूल कॉलेज बंद है, और ऐसे में पढ़ाई में जो है बच्चों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसी कारण स्कूल कॉलेज को जल्द से जल्द खोलने को लेकर लगातार कई सरकार निर्णय ले रही है, और इसी कदम में जो यहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 15 तारीख के बाद स्कूल और कॉलेज उत्तर प्रदेश राज्य में खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह आज की ताजा और बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी थी। तो दोस्तों, यदि आपको यह संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी यह संपूर्ण जानकारी देखने को मिले। तो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम, और साथ ही भारत माता की जय।